हेलो गाइस, मैं रूपाली आपको आप ही के चैनल में स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं बढ़िया स्वाद। भिंडी की सब्जी तो हर किसी को पसंद है और अक्सर घरों में होते रहते हैं। तो आज मैं भिंडी का एक बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी बनाऊंगी जिसे आप एक बार खा के बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लहसुन भिंडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 300 ग्राम भिंडी ली हूँ और इसे अच्छे से धो के पोंछ के रखी है और 6 से 7 कटे हुए लहसुन और सब्जी को पकाने के लिए ऑयल। तो सबसे पहले हम भिंडी को इस तरीके से काट लेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़े साइज में भी काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे भिंडी को काट ली हूँ और मसालों में ली हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी जीरा, स्वाद अनुसार नमक और ये 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख के गरम कर लेंगे और अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और ऑयल गरम होते ही जीरा को डाल के चटका लेंगे। फिर इसके बाद डालेंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पका लेना है और अब इसमें हम भिंडी को डाल देंगे और इसे मिक्स करके बिना ढक के 7 से 8 मिनट पका लेंगे। बीच बीच में चलाते रहे और अब ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक ऐड करके मिक्स करके 2 मिनट और पका लेंगे। ध्यान रखें, भिंडी को क्रिस्पी बनाने के लिए नमक हमेशा लास्ट में ही डालें। और अब हम इसमें अमचूर पाउडर या फिर नींबू का रस डाल देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का यूज की हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे से पक चुका है। आप इसे ऐसे बना के रोटी या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। तो ये तो थी आज की लहसुनी भिंडी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।